हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। होप यू एवरीवन वेल एट योर होम। स्टूडेंट्स, टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट कंप्यूटर्स नेटवर्क्स। नेटवर्क, ओके। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड what is network. So network is a medium by which we do communication one peripheral device to another peripheral devices. Medium is network. Without this medium, we never to share communication through the one system to another systems. So network are needed to sharing our information from one electronic device to another. Now next, types of network. Okay, so there are only three types of network based on the geographical areas, like that: LAN, MAN, WAN. Okay, one more network somebody heard, name is PAN. Okay, PAN, it means personal area network. Personal area network. Okay, so let us talk about the first, local area network. Local area network. As you see in this figure, this is a school, and in the school, the system of these are called, are connected to each other through the LAN, because the definition of LAN is that LAN covers a small geographical area network, small geographical area where you share the communication. ठीक है, LAN में क्या होता है, छोटी दूरी के अंतर्गत कंप्यूटरों के मध्य डाटा को साझा करने के लिए किया जाता है। अगर कंप्यूटर नज़दीक हैं तो डाटा का शेयर फास्ट होगा, और अगर कंप्यूटर दूर हैं तो डेटा का केवल डेटा का जो है कि ट्रांसमिशन स्लो होगा, और बहुत ज़्यादा दूर हैं तो वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था लैन। बात करते हैं मैन की। ठीक है, मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आप लोगों ने सुना होगा कि मेट्रो सिटी में तुम्हारे चाचा रहते हैं, तुम्हारी चाची रहती है। ठीक है, तो मेट्रो सिटी कौन कौन सी हैं, तो देरही हो गई, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गई, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गई, तो ये क्या हैं, आपकी मेट्रो सिटीज़ हैं। ठीक है, तो वही मेट्रो सिटी से ही ये वर्ड मिलके बना है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ए नेटवर्क दोज जस्ट कवर मोर देन लोकल एरिया नेटवर्क जियोग्राफिकल प्लेस। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क का जो जियोग्राफिकल एरिया होता है उससे ज़्यादा इसमें थोड़ा कवर किया जाता है। एंड दिस नेटवर्क्स आर शेयर इन द सिटी। ठीक है, ये जो है आपका सिटी के अंतर्गत, ये आप कह सकते हैं आपके गांव में भी इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसकी दूरी आपके लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, ये जो मैं सिटी है, इस सिटी में जो कनेक्शन दिया गया है कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का, वो है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आगे चल के बात करते हैं वैन की। ठीक है, देखिए वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, एंड वाइड एरिया नेटवर्क कवर्स द वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड का मतलब क्या, विश्व भर। ठीक है, अब ये देखो, ये तुम्हें ग्लोब दिख रहा है, इट इज़ अर्थ। ठीक है, वर्ल्ड वाइड का मतलब पूरा जो है कि यूनिवर्स मत समझ लेना। ठीक है, अर्थ की ही बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा ये जो लिविंग बीइंग्स है
वो अर्थ पे ही है। तो अर्थ पे जो है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये जो टावर्स दिख रहे हैं तुम्हारे, टावर सैटेलाइट्स में जो है कि डेटा संचार करते हैं और उनसे तुम लोगों को नेटवर्क मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, दैट आर ओनली सैटेलाइट बेस्ड, सो वी कैन कनेक्ट टू आवर फैमिली मेम्बर्स दोज आर जस्ट स्टेइंग इन अदर कंट्रीज। ओके, तो वैन क्या है? वैन वाइड एरिया नेटवर्क है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो है थोड़ा सा बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसको अभी से याद रखो क्योंकि ये आगे चल के भी बहुत पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर तुम 11th में CS वगैरह लेते हो या फिर आगे चल के कंप्यूटर साइंस में तुम्हारा स्कोप रहता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, कम्युनिकेशन मतलब वही नेटवर्क के द्वारा कैसे डाटा भेजा जाएगा। तुमने तो कह दिया कि सर एक नेटवर्क, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजने के लिए नेटवर्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये नेटवर्क जो है इसको कैसे चलाया जाएगा, कैसे भगाया जाएगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में? हाउ कैन यू फ्लो द नेटवर्क फ्रॉम विच मीडियम, ठीक है, किस मीडियम से आप उस नेटवर्क को फ्लो कराएंगे? तो मीडियम सबसे पहला जो है ये सब वायर्ड मीडियम है, ये ठीक है, ये जितना भी मीडियम तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं सब वायर्ड है, ठीक है। इसमें केवल केबल की बात होगी। कौन सा है वायर्ड मीडियम? ईथरनेट केबल हुआ, कोएक्सियल केबल हुआ और फाइबर ऑप्टिक्स केबल हुआ। इसको कहते हैं गाइडेड, ठीक है, इस कम्युनिकेशन को कहते हैं गाइडेड कम्युनिकेशन, ठीक है। और देखो, अनगाइडेड कम्युनिकेशन कहीं भी किधर भी, जैसे ये क्या है, ये सिंबल है ना वाईफाई का, तो इसमें कोई गाइड नहीं किया गया, वो जहाँ तक चाहेगा वहाँ तक कवर कर जाएगा, मतलब 360 डिग्री एंगल पर वो कहीं भी घूम सकता है, ठीक है। बट केबल में क्या होता है, यहाँ से गया यहाँ तक गया, यहाँ से गया यहाँ से गया यहाँ जाए, जहाँ जाना है वहाँ जाएगा। लेकिन जो है कि अनगाइडेड में क्या हो जाएगा, वो जिसको जहाँ जाना है वो चला जाएगा, ठीक है। तो अनगाइडेड में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सब चलता है, ठीक है, ये सब तुम्हारे वाईफाई कनेक्शंस होते हैं। तो इथरनेट केबल देख लो, ये जो है इथरनेट केबल है तुम्हारा, ठीक है, ये जो लैन केबल जिसे तुम कहते हो, जिसके द्वारा तुम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा संचार कर पाते हो। फिर तुम्हारा ये कोएक्सियल केबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केबल है, अगर देखना हो तो अपनी जो है कि डिस्क की छतरी का तार नोच डालो और उसमें देखो, मिलेगा तुम्हें। नेक्स्ट फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ये अभी रोड के किनारे जो है कि बिछ रही हैं, ठीक है, 5G लगाने के लिए। फाइबर ऑप्टिक्स केबल देखो दोनों में अंतर क्या है, कोएक्सियल में, ईथरनेट केबल में और फाइबर ऑप्टिक्स केबल में क्या अंतर है? देखो, फाइबर ऑप्टिक्स केबल में डेटा जो है ना गीगा हर्ट्ज़ के हिसाब से जाता है, मतलब बहुत तेज जाता है, गीगा हर्ट्ज़ मतलब GB में डेटा जाएगा, ठीक है, और इन सबों में थोड़ा सा स्लो डेटा जाता है। फिर ब्लूटूथ जानते ही हो, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करना ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वाईफाई, दुनिया भर का वाईफाई तुम लोग यूज़ करते हो, बस इतना ध्यान रखना वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। वाईफाई के बाद से इंफ्रारेड, हाँ देखो ये इंफ्रारेड समझो, इंफ्रारेड का मतलब होता है कि ये एक डोंगल जहाँ से तुमको नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है, जैसे नहीं कहते हॉटस्पॉट, ठीक है, जैसे ही तुम अपना हॉटस्पॉट खोलते हो तो वहाँ से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, और वो क्या करती है, उस रेंज में जो भी कंप्यूटर आते हैं वो उसे कैच करके और कनेक्ट हो जाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग समझ लो, ये भी पूछा जा सकता है तुमसे, व्हाट इज़ द क्लाउड कंप्यूटिंग? सो क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू द यूज़ ऑफ IT एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन द साइबर बट स्टोर्ड रिमोट सर्वर, ठीक है, रेदर द कीपिंग फाइल्स इन द हार्ड ड्राइव और एज लोकल स्टोरेज, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज मेक्स इट पॉसिबल टू सेव प्रोग्राम और डाटा ऑन ए रिमोट स्टोरेज मीडिया एंड कैन बी एसेस्ड एनीवेयर फ्रॉम नेट, ठीक है। अब देखो सीधा सीधी बात, ये तुम्हारा फ़ोन है, ठीक है, इसमें मेमोरी लगी हुई है, इसमें डाटा तुमने रख दिया, ठीक है, लेकिन अब ये तुम्हारा फ़ोन जहाँ तक रहेगा तभी तक डाटा तुम्हें मिलेगा, ठीक है। अब मान लो तुम दिल्ली में हो तो दिल्ली में तुम्हारा डाटा मिलेगा, ठीक है, तुम्हारे पास मोबाइल है। अब तुम यहाँ मुंबई में आ गए, तुम्हारा मोबाइल दिल्ली में छूट गया, तो यहाँ डाटा तुम्हारा नहीं मिल पाएगा। सो ऑन दैट कंडीशन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टोर योर डाटा ऑन द क्लाउड बेस्ड, ठीक है। व्हेन यू सेव योर डाटा ऑन इंटरनेट, ओके,
cloud system, then you will be get your data anywhere, okay, from the internet. प्रोटोकॉल समझ लो, प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है. प्रोटोकॉल्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बस इसकी डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो आप इजीली बोल सकते हैं सेट ऑफ रूल्स ओवर इंटरनेट. सेट ऑफ रूल्स ओवर इंटरनेट आर कॉल्ड द प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल्स के कुछ नाम हैं याद रखना, ठीक है. HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और SMTP स्विच मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है. तो ये प्रोटोकॉल्स याद रखना. बाद में आती है बात मल्टीमीडिया की. मल्टीमीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. देखो, जहाँ पिक्चर हो, जहाँ ऑडियो हो, जहाँ वीडियो हो, जहाँ टेक्स्ट हो, ये सारे के सारे चीज़ें किस में आती हैं? मल्टीमीडिया में आती हैं. अब आ जाइए चैट साइट्स. तो चैट साइट्स तो जानते हो, सबसे पॉपुलर इस समय चल रहा है मैसेज चैट एप्लीकेशन व्हाट्सएप, ठीक है. उसके द्वारा चैटिंग सबसे ज़्यादा हो रही है. सोशल मीडिया नेटवर्क, ये भी तुम लोगों को मालूम ही है, दिन भर तो उसी पर लगे हुए रहते हो तुम लोग. फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये सब क्या है? सोशल मीडिया नेटवर्क है. सोशल मीडिया नेटवर्क का काम क्या है सुन लो. एक व्यक्ति गया सोशल मीडिया नेटवर्क पर, उसने अपना लॉगिन आईडी बनाया, ठीक है. उसके बाद से वो अपने फैमिली मेम्बर्स को टच में रख सकता है. वो एक पोस्ट करेगा, वो सारे फैमिली मेम्बर उसे देख सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. यही सब काम होता है इसमें. अब उसके बाद से तुम्हारा जो है, ये कुछ सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, याद रखना. फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब. यूट्यूब के बारे में एक बहुत अच्छी कहावत है, ठीक है. ये क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वीडियो लाइब्रेरी, ध्यान रखना. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वीडियो लाइब्रेरी इज यूट्यूब. सो होप यू एवरीवन अंडरस्टैंड इट, ओके. If you not understand, then you will be just chat to us through the WhatsApp. Thank you.